हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं फिर से आर्यन खान की। गरीबों की मदद करने का शाहरुख खान के बेटे ने किया वादा। एनसीबी से आर्यन खान बोले, कुछ ऐसा करूँगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में चलते जेल में है। आर्यन की जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में 20 अक्टूबर तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। इस बीच सामने आया है कि आर्यन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से कहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वो गरीबों की मदद करेंगे। आर्यन खान की काउंसलिंग। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ हाल ही में आर्यन खान की काउंसलिंग की थी। इस दौरान आर्यन ने उनसे कहा था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो गरीबों और कमजोरों की मदद करेंगे। काउंसलिंग सेशन में आर्यन ने भी यह बात कहा था कि कभी ऐसा कुछ लगता नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो चर्चा में आए। इसके साथ ही आर्यन ने कहा, मैं एक दिन ऐसा जरूर करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे आर्यन। याद दिला दें कि क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशन कोर्ट में गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख दिया। बता दें कि आर्यन खान की ओर से अमित देसाई और सतीश वान शिंदे, जबकि एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलीलें पेश की थी। कैदी नंबर 956। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान का नंबर N9056 है। दरअसल जेल में किसी को भी नाम से नहीं बल्कि उनके नंबर से ही बुलाया जाता है। ऐसे में आर्यन खान को भी उनका कैदी नंबर मिल गया है। बताया जा रहा है कि आर्यन खान जेल में काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। आर्यन खान जेल का खाना सही से नहीं खा पाते हैं, यानी उन्हें वो खाना पसंद नहीं आता, जिसके साथ ही वह बाहरी खाना लाने और खाने की इजाज़त नहीं है। बता दें कि आर्यन खान जेल के कपड़े नहीं बल्कि घर के आए कपड़े पहन सकते हैं। आपको मेरी चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।